आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। जिस तरह आपको मालूम है कि आर्मी चीफ ज़रात की शोबे की तरक्की के लिए बहुत एफर्ट कर रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट इस वक्त एक सीरियस पैकेज इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ निगोशिएट कर रहे हैं कि किस तरह जो हमारे ज़रई फॉर्म्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि वापडा का रवैया आर्मी चीफ के इस विज़न के बरअक्स है। हमने बलूचिस्तान में तकरीबन एक हफ्ता पहले कैस्को के साथ एक मुआहिदा किया था जिसमें ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान, बलूचिस्तान गवर्नमेंट तीन फरीकें थे और हमने एक मुआहिदा जिसके मुताबिक जो इलीगल ट्यूबवेल्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। इसी तरह जो ज़मींदार हैं वो 12,000 रुपये पर ट्यूबवेल अदा करेंगे। तीसरी अहम जो उसमें कंडीशन थी वो ये थी कि फुल वोल्टेज बिजली 8 घंटे रोज़ाना की बुनियाद पे कैस्को मुहैया करेगी और बलूचिस्तान की गवर्नमेंट कैस्को को तकरीबन 80 करोड़ के करीब जो है वो फंड जारी करेंगे। और ये मुआहिदा जो है वो कैस्को ने भी कंसेंट किया था और हम थ्री पार्टाइट हमने बहुत ही निगोशिएशंस के बाद मुज़ाकरात के बाद इस मुआहिदे को साइन किया था और नेक्स्ट यानी 24 आवर में इस मुआहिदे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है वो समरी मूव की और कैबिनेट में उसको रखा और वो पैसे हमने मंजूर किए। अब उसको सिर्फ रिलीज़ करना बाकी है लेकिन अब एक हफ़्ते के बाद भी बिजली बहाल नहीं हो सकी। कैस्को क्यों एक माफिया की तरह एक्ट कर रही है? बदकिस्मती से ये अल्फाज मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता लेकिन ज़रात एक किसान या किसान एक्शन कमेटी का नाम नहीं है। ज़रात हमारी माशी सर्वाइवल का सेक्टर है। बलूचिस्तान में ये एक इशू जो है वो चंद ट्यूबवेल्स का नहीं है, ये बिजली चोरी का नहीं है, ये एक इज्तिमाई इशू है। हम सब के लिए एग्रीकल्चर ज़िंदगी और मौत का जो है वो सवाल है। इसको इस तरीके से डील करना कि एक मुआहिदा करके उससे हट जाना, ये बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट और आर्मी चीफ का बिलखसूस जो एफर्ट और विजन है ज़रात की प्रमोशन और तरक्की के लिए, उसमें एक शोरी सतह पे रुकावट डालने की कोशिश है। लिहाजा हमने आज मुनासिब समझा कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएं और ये मैसेज डिलीवर करें कि ये सिर्फ ज़मींदारों का मसला नहीं है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी का मसला है। हमें फौरन 8 घंटे फुल वोल्टेज की बिजली की बहाली चाहिए ताकि इस वक्त जो बिजली और पानी का इशू है वो हल हो। अगर ये अभी नहीं मिलती तो इसका मतलब है अरबों रुपए का एग्रीकल्चर का नुकसान होने जा रहा है। अगर अभी इन हफ्तों में ये बिजली नहीं आती, बाद में अगर बहाल भी हो जाती है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा टाइम इज़ द एसेंस, इस वक्त जो टाइम है वो बड़ा क्रिटिकल है। लिहाजा हमने फैसला किया है कि जो फंडिंग हमने रिलीज़ करना था वो हम रिलीज़ नहीं कर रहे हैं। सीएम बलूचिस्तान ने जो इस मसले को बड़ा उन्होंने नोटिस लिया, मीटिंग्स किए, कैस्को को इंगेज किया, ज़मींदारान जो हमारी एक्शन कमेटी है उन्हें इंगेज किया और मैराथन इस मसले के हल के लिए मुज़ाकरात में उनकी लीडरशिप में ये मुआहिदा हुआ था। उनकी डायरेक्टिव्स के मुताबिक ये कैबिनेट ने तो पास कर लिया है लेकिन रिलीज़ हम करेंगे जब वापडा बिजली बहाल करे। लिहाजा हमारी अपील है कैस्को से, उनकी टॉप लीडरशिप वापडा से कि फौरन इंटरवीन करें और इस मसले को अमीकेबली हल करें। ये मसला रोडों का नहीं है, ये एहतजाज का नहीं है, ये आदम इस्तेकाम या सियासी आदम इस्तेकाम का नहीं है, ये लाइफ लाइन है बलूचिस्तान का, पाकिस्तान का। ऐसे वक्त में जब हमें एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस बाहर मुल्कों से इम्पोर्ट करने पड़ रहे हैं तो हम क्यों अपने गंदम, हम क्यों अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को जो है जियोपेडाइज करें, ये नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ है। तो अभी मैं हैंड ओवर करता हूँ माइक, जो ज़मींदार एक्शन कमेटी बलूचिस्तान के रहनुमा हैं वो भी आपको अपने ख्याल का इजहार करेंगे आपके सामने। और धन्यवाद। ये मैकेनिज्म बराबर करने के लिए इकदाम क्यों नहीं किए?
देखिए 20 साल का क्लेम है जो अनरियलिस्टिक है, इन्होंने डाले हैं जिम्मेदारों पे 450 अरब रुपए। अब आप बताएं कि क्या ये फिजिबल है, 450 आप इनसे ले सकते हैं इस एग्रीकल्चर से, जहाँ पे पानी नहीं है, जहाँ पे बिजली फुलटेज नहीं है। किसी को नहीं पता कि बलूचिस्तान में फुल बिजली नहीं आ सकती, लाइन लॉसेस का मसला है। यहाँ पे उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, अपनी जो स्ट्रक्चरल इशूज़ है कभी हल नहीं किए, फिर भी ये सर्वाइव, ये एग्रीकल्चर ने सर्वाइव किए। अब उसका लिए एक मैकेनिज्म, उस वक्त के जो CM साहब थे डॉक्टर मालिक बलोच, उन्होंने एक फार्मूला तय किया था, उसी के मुताबिक बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने भी फिजिबिलिटी में, सॉरी जो सब्सिडी थी उस मत में जो वजबात दी है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी दी है। लेकिन बेसिकली जब तक वापडा के ये जो लाइन लॉसेस का इश्यू है वो हल नहीं होता, ये मसला हल नहीं होने वाला। मसलन अगर आप बिजली फुल वोल्टेज नहीं दे रहे हैं, आप जो है रिक्वायर्ड टाइम, तो आप किस तरह उसी बिल, यानी आप 2.5 लाख कैसे बेच सकते हैं? अगर आपके पास आपके मोटर जल जाते हैं एक घंटे के नोटिस पे, दो घंटे की आपकी एक फेज़ में बिजली आपको आ रही, और ये एक्नॉलेज करने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके, अब हमारे तो ये शक है कि उनकी डिलीवरी का इशू है। वो प्रॉमिस करते हैं आठ घंटे वो नहीं कर सकते, फिर भी हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। उनकी कैपेसिटी नहीं है, लाइन लॉसेस इतने ज़्यादा हैं कि वो इन तारों में बिजली गुजार नहीं सकते हैं। दैट इज़ द प्रॉब्लम। अब जब तक ये मसला नहीं होगा, ये हम पे डालेंगे, हम उन पे डालेंगे, ये इन पे डालेंगे, ये उन पे डालेंगे, तो एक ऐसा सर्कस है जिससे निकलना एक पेचीदा मसला है। लिहाजा हमें कौमी मुफाद में, बलूचिस्तान के मुफाद में बैठ के अमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ जाना है। इस ये पूरे जो क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हैं इसको सेटल करना है। ये तो स्ट्रक्चरल इशू है, लेकिन इस वक्त हमें बिजली की ज़रूरत है, जो इस डिबेट को हम कहीं कहीं और फोरम पर डिस्कस कर सकते हैं। आखिरी क्वेश्चन प्लीज़। हम चाहते हैं कि इस मुआहदे की पासदारी की जाए, या तो हम ये कमिटमेंट नहीं करते या वो ऑनर करते हैं। अब उनके क्या मलहूजात हैं, हमारी समझ से सवाल आता रहे। जान साहब ये बताया कि जो